आवाज नहीं। सुपरस्टिशन पे आओ। हाँ, आओ जाओ आओ जाओ। आओ प्लीज। क्या तुम मानते हो अंधविश्वास में? किस टाइप नो का? किस टाइप का, ये भी कुछ क्वेश्चन भी है। देखो के सिद्धा जी बोले जैसे भाई, जैसे ये जैसे काली बिल्ली रास्ता काटने जैसे वाली टाइप की बात जो कर रहे हो। स्पोर्ट्स, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं ठीक अच्छा है, वो लोग काफी सुपरस्टिशियस होते हैं कि हमारा मैच है उससे पहले हम ये करेंगे तो हम जीतेंगे, क्योंकि है? हाँ होता हाँ है, ऐसा होता होता है है, कि जैसे होता मैं भी खेलता रहूँ ना तो सुपरस्टिशन होता है कि अगर मैं उस दिन इतने बजे उठूंगा, मैंने ये वाले कपड़े पहन के मैं गया, मैंने ये वाले शूज पहने, मैंने ये जुराब पहनी, तो मैं जीतूंगा। ये उनके मेरा साथ है, अगर होता है। मैंने ओनी पे ग्रीन वाली स्किन लगाई तो मैं मारूंगा। हाँ वही गेमिंग में भी होता है कि मैं ये वाली स्किन लगाऊंगा तो मेरे से बंदे मरेंगे। एमबॉट, हाँ प्राइम एमबॉट है। हाँ ठीक है, प्राइम तो ऐसे वाले सुपरस्टिशंस में तुम बिलीव करते हो कि नहीं? तो एमबॉट है कुछ भी को। देख, पर्सनल लेवल पे एक बंदा जो खुद बिलीव करता है वो करेगा, लेकिन अगर किसी को दूसरे के वो अंधविश्वास लग रहा है कि ये तो पागल है कुछ भी बोलता है, जैसे वो हमें हमें वो नहीं बोलते लगेगा। हैं जो अपने बेसिक वाले होते हैं, काली बिल्ली रास्ता काट गई, बुरा उस पे तो होगा। मैं नहीं करता उस पे, वो तो मैं ठीक बहुत बार है, काटा हूँ, कुछ नहीं हुआ उसके मेरे बाद साथ। तुम जा रहे हो, किसी ने छीक तू मार खुद ही दी, जहरीला है बुरा ना, बिल्लियां भी डरती हैं तेरे तुम घर से जा रहे से। हो, किसी ने छीक मार दी, बुरा होगा। उसमें ऐसे ऐसे ये वाले मैं बिलीव बताता हूँ करते इस पे हो। कहानी। अभी मैं मेरा जो बताता हूँ मेरे नहीं, पास स्टोरी, मैं मेरे बताऊंगा। पास चल लेटेस्ट चल रही लेस्ट है, बता ले, दोनों बता दो लेस्ट यार, बता दोनों ले, मैं बता पुरानी दो। बता। हाँ नहीं पहले पहले पुरानी बता। ओके तो एक काम करते तेजस्वी हैं, बता पहले दे। पहले पहले पुरानी बता दे, फिर तेजस्वी बताएगी वो मिडल की लगती है, फिर ये ताजी वाली हाँ बताएगा। हाँ ठीक ठीक है ठीक है है चल ठीक चल, है, मैं लेट्स बताता गो। ये हूँ क्या बात हुई? मेरे को बताते, काली बिल्ली वॉज कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। स्ट्रॉन्ग एज इन वो वाला स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो डरती नहीं थी किसी से, मोस्ट ऑफ द एनिमल से। तो डॉगी से भी पुराने नहीं, टाइम में है कुत्ते से भी नहीं, किसी से नहीं भी नहीं, किसी से भी नहीं, एक काम किसी करो को तो सब पहले आगे। मेरे को पहले कहानियां लॉजिक बताई गई बोल, हैं, बस मैं तेरे को हाँ कहानी पहले सुना। लॉजिक बोल लगा बोल। लो, पहले लॉजिक हाँ लगा लो। ठीक हाँ है, तू तो बोल, तू मटर खा पुराने रहा टाइम में जब लोग जंगल के थ्रू जाते थे कहीं पे, ठीक है, तो अगर बिल्ली ने रस्ते या हंस के रहा है, सगु भाई हंस रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। ये चैट वो चैट मटरी दिखा रहा है ऐसे चैट, कैमरे में। ये नहीं बताना, चैट 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 ठीक कौन है? है, ठीक है अब साइलेंट भाई, चैट आप जाओ अब साइलेंट भाई, चैट आप जाओ। चैट आई लव काली बिल्ली मेरी इज स्टोरी बट पूरी इन होने दे भाई इंग्लिश। प्लीज। जंगल के थ्रू जाते थे लोग, तो काली बिल्ली भाग के गई, ठीक है, उसको समझते हैं लोग के स्ट्रॉन्ग है। अगर वो भाग रही है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई और स्ट्रॉन्ग एनिमल है, तो तुम जा रहे हो तो हो सकता है कि वो आ जाए, तो इस करके ओके कहते रहे वो काट के गई, तो रुक जाओ, वो रास्ता मत लो, इस ये करके मैंने नहीं कहते थे। सुना था कभी, ये तो बड़े मैंने अच्छा भी नहीं, लॉजिक मैंने लग भी रहा हाँ है, ये तो ठीक लॉजिक माइंडफुल लग हो रहा है गया। बेटा। और जो छीक वाला था वही पुराने जमाने में, जैसे दूर तो दूर मेरा जाना तो होता था बहुत काम। वो छीक वाला मुझे हाँ राय मालूम है। आगे देख हाँ पता है तो मनप्रीत, पुरा बोल। तेरी स्टोरी के बाद ना आई डोंट नो, मेरे को लग रहा है कि मेरे को सुपर सीसी में बिलीव करना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर पीछे कुछ है। अरे अब अरे डर तेरे लग रहा रोड है पे कौन सा जानवर आ जाएगा यार, तू तो ये पागल। बात भी है। तो अब जो छीक वाला था पुराने जमाने में, जो घर का मर्द है वो काम पे जा रहा है, उसने दूर जाना है कहीं पे, वो निकल रहा है, उसके बच्चे ने छीक मार दी, ठीक है, उसने तो दूर जाना है, हाँ उसने छीक मार दी, उसकी तबीयत खराब होनी है, ना आसपास डॉक्टर है ना कुछ है, उसकी तबीयत खराब होनी है, उसने हफ्ते हफ्ते तक आना नहीं, इस करके कहते थे कि उसने छीक मार दी तो वो खराब हो जाएगा घर। इस वाले में नहीं अच्छा बचाया यार। तो मेरे को मेरे को तो जो हाँ कहानियां सुनाई गई हैं हाँ मैं वो वो तो बता रहा हूँ ठीक है, मैं तुम्हें, तो वैसे इसका अब बोल मतलब मैं रहा इतने सालों से ऐसी मार खा रहा हूँ कि घर वाले जा रहे हूँ। हैं, मैंने छीक मार दी, पे छीक क्यों मारती नहीं, जो है। वो छीक सॉरी वाली बात है उस पर भी मेरा एक इंसिडेंट ही था क्या कि अभी जब पीसी बन रहा था मेरा, जिस दिन बनना था उस दिन मेरे पापा और भाई जा रहे थे, बिल्कुल गेट पे बनना ही था? थे। पर्सनल पीसी 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 कंप्यूटर तो कंप्यूटर किचन में मेरी दादी थी ना, तो कंप्यूटर कंप्यूटर यार बनना उसने भी था। हाँ कंप्यूटर मतलब बनवाया ना बनवाने जाना भैया, था, सीपीयू कंप्यूटर बनाया। लेने हाँ जा रहे थे हम, कंप्यूटर लेने जा रहे थे हमारे रास्ते के अंदर। कंप्यूटर तो दादी किचन में थे और उन्होंने छीक मार दी, तो मेरे पापा ने मेरे भाई को मना कर दिया कि बैठ जा थोड़ी देर, दादी ने छीक मार दी, थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो मैं जा हंस रहे रहा थे। हाँ कमरे में 10 मिनट बैठे बैठे, मेरा भाई भी हंस बाद रहा। यार। ओ एक और चीज़ याद है, बट ठीक है कंटिन्यू। तो फिर उसके 5-10 मिनट बाद वो चले गए, ठीक है। तो वहाँ पे जाके बना, मतलब वहाँ पे जाके दिक्कत आई, वो दिक्कत मैं यहाँ पे क्या बताऊँ कि वो ग्राफिक कार्ड जो था वो मिला नहीं, फिर वो कहीं और दुकान से, तो उनको वहाँ पे 4 से 5 घंटे लग गए जो नहीं लगने चाहिए थे। फिर आके जब हमने सब सेटअप वेटअप करा, रात को हम बैठे थे, तो पापा ने उस टाइम पे वो बात छेड़ी, देख दादी ने ऐसे छींक मारी थी और हम चले गए थे ना उसके बाद, तो तब वहाँ पे जाके काम खराब हो गया था, लेकिन बाद में दादी की सारी सैलरी सही कट गया यार, तुम्हारे साथ ठीक ऐसा, तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज होने हो
जैसे फॉर एग्जांपल मेरा, मैंने कुछ सामान लिया है ठीक है, और मैंने किसी को बताया या कुछ गायब भी, सारे भाई या बताते हैं किसी को, तो वो काम खराब हो जाता है। हो जाता है। तभी तो लोग कहते हैं ये पता है क्यों कहते कि हैं, कंफर्म ना हो जो जाए कहते हैं कि कि तुम्हारा तुम्हारा काम इनफॉर्मल होने से पहले शोर मत मचाओ, ये इसलिए कहते हैं, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। कल को तुम्हारा काम रुक गया तो तुम्हारी बेइज्जती हुई, कि पहले शोर मचाया हुआ है कि मैं ये कर रहा हूँ, होता फिर बाद में हुआ नहीं तो बेइज्जती होती है। जेन अट्रैक्ट होते हैं वो, बाय द वो वे, नहाने का, किसी फ्यूनरल से आओ तो बोलते मैं हैं ये नहाना पूछने आना लगा था चाहिए, कि इसमें क्या सिस्टम है, मेरे को वो नहीं इसलिए पता। बोलते हैं क्योंकि पहले क्या होता था, पहले लोगों के पास बीमारियों के वैक्सीन नहीं होते थे। कोई किसी बीमारी हाँ से मरा है, वो जला है, तो तुम्हें बीमारी हो सकती है, मैंने तो उसके एशेस इसलिए से, घर आके नहाओ ताकि तुम्हारे जो जर्म्स वगैरह हैं वो वो अब निकल हमें जब जाए। कोरोना ये हुआ तब अच्छा पता है, लगा, पहले कोविड वैक्सीन वेल्कम मैंने तक नहीं लाया। सुनी। देख ये मेरे को मेरे नहीं पता को था। मेरे को मेरे को ये पता था कि मतलब जो मैं समझता था कि क्यों नहाना है, क्योंकि तो जब वो साइट होती है ना फ्यूनरल वाली, तो वो काफी एशेस उड़ते हैं ठीक है, तो वो अपने तुम्हारी बॉडी पर लगता है, तो उसको रिंस करने के लिए तुम नहा लो। वो वही भी तो एक मैं लॉजिकल है। वो भी तो हाँ वो भी है। Yeah.